अब मेरे को भी बड़ी हैरानी, तो मेरा नया नया वो था, तो जैसे ही ज्ञानी जी को मैंने रिसीव किया, मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पे एएसपी हूँ, और तो कह लगे आप वहाँ ले चलो जहाँ चार्ल्स ओब्रज को रखा हुआ है। तब वो एक नंबर में था? हाँ नहीं, तब तो एक ही जेल होती थी, एक दो तीन तो बाद में हुआ है, 85 में हुआ है एक दो तीन, उससे पहले एक ही जेल होती थी। अच्छा। इसको सेंट्रल जेल कहते थे। तो मैं उनको लेके वहाँ चला गया, चार्ल्स ओब्रज के उसमें लेके गया। तो चार्ल्स ओब्रज से ये हिंदी में पूछ रहे थे, वो उसको हिंदी थोड़ी थोड़ी आती थी, वो इंग्लिश में जवाब दे रहा था। इनकी हिंदी पंजाबी वाली थी। और मुझे तो ये वो उन्होंने देखा कि आप पूछा उन्होंने ज्ञानी जी ने कि आप किताब काफ़ी सारी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो पूरा आप देखें जैसे आपने रैक रखे हुए हैं, ऐसे दो तीन रैक उसने अंदर किताबों के रखे हुए थे चार्ल्स ओब्रज ने। तो उन्होंने ज्ञानी जी ने उससे पूछा कि तुम्हें सारी किताबें तुम पढ़ते हो? तो उसने कहा हाँ मेरे को काफ़ी शौक है, पढ़ने का शौक है। तो और कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? उन्होंने नहीं कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो कोई पाँच एक मिनट वो वहाँ खड़े हुए। और ये विजिट ऐसे ही पत्रकारों की मेहरबानी से हुई थी? पत्रकारों की मेहरबानी से हुई थी। उन दिनों में हम इंडियन एक्सप्रेस को तिहाड़ एक्सप्रेस कहते थे। 81 में इंडियन एक्सप्रेस में रोज सुदीप मजुमदार, जिनका मैं नाम ले रहा था, एक सुदीप मजुमदार थे, उनका रोज एक, जब तक तिहाड़ के ऊपर स्टोरी नहीं लिखते थे तो तब तक मुझे लगता है उनको खाना नहीं पछता होगा। मजाक में कह रहा हूँ मैं ये। जी जी। तो उनकी रोज एक स्टोरी आती थी उसमें अखबार में। तो लास्ट उनकी जो स्टोरी आई थी वो आई थी तिहाड़ रूल्स, शोभराज रूल्स तिहाड़ जेल, ये उसकी स्टोरी आई थी। उसी उन दिनों पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, तो ज्ञानी जी इसलिए आए थे ताकि वो अपना पार्लियामेंट को बता सकें कि मैं खुद विजिट करके आया हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। मेनली उनका वो था ये कहने का, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि उनको मैंने उन दिनों में दो क्लासेज होती थी प्रिजनर्स की, एक होती थी बी क्लास, एक होती थी सी क्लास। बी क्लास प्रिजनर्स जो होते थे वो अपने आप को समझते थे कि जैसे वो ऑफिसर्स हैं, वो हमें अपना अपने आप को हमारे बराबर ही समझते थे। जो सी क्लास होते वो बेचारे आम, जैसे रेलवे में होता था ना तब, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे होता था। तो बी क्लास वाले अपने आप को ये जो इनकम टैक्स पे ही होते हैं और जो ग्रेजुएट होते थे एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, उनको बी क्लास देते थे, बाकी सी क्लास होते थे। तो बी क्लास वार्ड में हमने चार्ल्स ओब्रज को रखा हुआ था। तो ज्ञानी जी ने वो देखा, फिर उसके बाद सुनील बत्रा वगैरह के उसमें गए, सब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। द पिटीशन माफिया सुनील बत्रा। हाँ सुनील बत्रा। ये सारे इकट्ठे होते, विपिन जागी वगैरह सारे। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा ये तो आज विजिट बड़ी अच्छी हो रही है, कोई ऑफिसर भी यहाँ नहीं, अकेला मैं हूँ। और अभी मेरे को दो महीने, आप देखें मैंने मई में ज्वाइन किया था, दिस इज ऑफ सितंबर का ये इंसिडेंट है जब वो आए थे। तो मई जून जुलाई तीन महीने हुए थे मुझे आए हुए। तो मैं खुश हो रहा था कि चलो बड़ी अच्छी विजिट हुई। इतने में जब निकल रहे थे तो एक भज्जी भज्जी करके एक प्रिजनर होता था, एक भज्जी प्रिजनर था, उसके साथ एक दीना करके था, दोनों ड्रग एडिक्ट थे। तो इतने में भज्जी सामने आया, उसी मतलब जस्ट हम जब निकलने वाले थे उस बी क्लास वार्ड से बाहर निकलने वाले थे, तो आया, उसने जोर से बोलना शुरू कर दिया, चाचा नेहरू जिंदाबाद। चाचा नेहरू जिंदाबाद, ये तो चाचा नेहरू की जेल है। तो मैं बिल्कुल, मेरा माइंड जो है इतना वो नहीं था, क्रुक नहीं था कि मैं समझ पाता कि क्या क्यों बोल रहा। मैंने कहा, और ज्ञानी जी खुश हो रहे थे कि चाचा नेहरू की यहाँ जेल के अंदर भी जिंदाबाद हो रही है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, इंदिरा गांधी को जाके बताएंगे वो खुश हो जाएंगी। ही वॉज विजिबली वेरी हैप्पी। तो उसके बाद क्या होता है कि उनके जो पीए साथ आए थे, उनके पीए साथ थे, तो उनको ये भज्जी ने कहा कि मैंने आपसे बात करनी है। वो भी मैंने नहीं सुना कि उसने कब उनको कहा बात करनी है, तो ये पीछे रुक गए थे। तो उसके बाद मैंने ज्ञानी जी और मेरे से पूछा, तो मैंने उनको बता दिया सारा। तो ज्ञानी जी चले गए। तो मुझे कुछ पता नहीं था कि पीछे क्या ड्रामेबाजी ये हुई है। मेरे सामने खाली चाचा नेहरू जिंदाबाद हो। मैंने फिर अपना विज साहब को जो है बता दिया, जो हमारे सुपरिंटेंडेंट जेल थे, कि विजिट हो गई है, जो आराम फरमा रहे थे। मैंने उनको बताया कि विजिट बहुत अच्छी हो गई है। और तो अगले दिन अखबार में, वो भी इंडियन एक्सप्रेस में, ये आया, ज्ञानी जी जब गए उसमें जेल में,
तो उनको लिकर ऑफर की गई। तो मैं हैरान कि लिकर ऑफर की गई, मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं। तो मेरे को सुपरिटेंडेंट कहने लगे कि लिकर ऑफर की थी। मैंने कहा नॉट दैट ज्ञानी जी, आई एम माइंडेड इट। मैंने कहा नहीं, कोई लिकर जो ऑफर नहीं की। कहते देखो इसमें आया हुआ है, एक्सप्रेस में आया हुआ है। मैंने कहा मेरे से लिखवा लो, मेरे सामने कोई लिकर ऑफर नहीं की। तो उसके बाद 3-4 दिन के बाद तो मैंने देखा कि मतलब अखबारों में तो खूब आता रहा, मतलब एक अखबार जब उठाती फिर दूसरी अखबार उसको फॉलो करना शुरू कर देती हैं। उन दिनों में टीवी चैनल्स तो होते नहीं थे, थैंक गॉड। तो अखबारें उस कर रही, इस स्टोरी को फॉलो कर रही थी। तो 4 दिन के बाद जो है मुझे एक सील्ड लिफाफा मिला। तो मैंने कहा यार अभी तो मेरे को सील्ड लिफाफे क्या मिलने शुरू हो गए। मैंने खोला तो मेरा सस्पेंशन ऑर्डर था उसमें। मैं सिर उड़ाते ही ओले पड़े। तो मैंने कहा सस्पेंशन ऑर्डर। तो फिर मुझे पता लगा कि उसमें एक मेरी सस्पेंशन थी, एक और एएस थे मिस्टर कुकरेजा, उनकी सस्पेंशन की थी क्योंकि भजी वगैरह उस वार्ड के थे तो उससे निकल के क्योंकि आए थे उनको सस्पेंड किया। साथ में इन्होंने एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 होते थे उनको सस्पेंड किया था। तो विज साहब ने अपने आप को जो है बचा लिया था और एक उनके खास प्रोटीज होते थे मिस्टर एस एन त्रिखा, उन दोनों को बचा लिया था। हम तीनों को उन्होंने सोचा कि सस्पेंड करके वो जैसे होता है ना हशअप करना, कोरम पूरा हो जाएगा। हाँ कोरम पूरा हो गया। उनका ये था कि हमने देखो जो रिस्पॉन्सिबल थे उनको सस्पेंड कर दिया, पर बाद में फिर वो भी सस्पेंड हो गए थे।